रात वाला गजरेला है। सलामत रखे, खुश और आबाद रखे। तो प्यारी व्यूअर्स, हम सुबह सुबह उठ चुके हैं, उसके बाद जो है ना अब हमने बनाना है नाश्ता। प्यारी व्यूअर्स, हमने आटा निकाल लिया है, उसके बाद है ना हमारे हमने पानी भी मोटर वाला भर के आए, लेकिन मोटर वाला पानी भी इतना ठंडा है क्या बताएं। अब इसलिए आग जला रही हूँ, मोटर वाला पानी जो है ना ताजा करके फिर आटा गूंदूंगी। बिल्कुल पानी देवा। अवैस क्या खा रहे हो? अवैस इधर देखो, क्या खाना बेटे अवैस है? बहुत सर्दी है गाइस, बहुत सर्दी है, देखें बहुत ज्यादा ठंड है। ठंड की वजह से पानी गर्म करके आटा गूंदना पड़ता है, ऐसे सब आना। ये तो है, आज ऊपर से हमारे पास जो रात वाला साग था थोड़ा सा बचा पड़ा है, और मैं रोटियां बनाती हूँ तो साग देती जाऊंगी, क्योंकि पराठों का नाम ना लेना, क्या थोड़ा सा साग है। अच्छा चले, दो मिनट, क्योंकि मेरे हाथ में जख्म है ना, तो इसमें नमक चला जाएगा, मैं नमक पहले ही डाल देती हूँ। तो आटा गूंदेंगे, उसके बाद पराठे बनाएंगे आज। कल ना मेरा हाथ कटा है ना, वो कद्दूकस कर रही थी जब वो। हाँ जी हाँ जी, गाजरे। हाँ जी, कल हमने गजरेले वाली वीडियो बना डाली थी, तो आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, थैंक यू सो मच, सबका शुक्रिया। भाई जाके दिखा तो आओ माहौल, मौसम जो बना हुआ है। मैं दिखाता हूँ बाहर जाके। गाइस किस किस ने मरी जाना, जिसने जाना यहाँ पे आ जाए हमारे गाँव में, यहाँ मरी लगा हुआ है। हाँ, ये भी मरी बना हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बहर। तो ये है हमारा मेन गेट। हाँ तो ये देखें, बहुत ठंड इतनी बहुत ज्यादा है, धुंध ने यहाँ पे देरे डाल दिए हैं। आज 15-16 दिन हो गया है, धूप निकलने का नाम नहीं है इधर। हाँ ऊपर ले जाते हैं, ये देखें। तो सब सर्दी की वजह से सबा ने पूरा जोर लगाया हुआ आटे पर। जाओ साग वाला पराठा बनाने का छोड़ पड़े। देख सकते हैं अभी हमने जो है ना तवा रख लिया है, अब मैं साग वाले पराठे नहीं मिलेंगे आज, ऐसी रोटी मिलेगी। नहीं मैं साग वाला पराठा लूंगा, मेरी बात है सीधी। भैया खाओ या ना खाओ, नहीं है साग वाला पराठा, क्योंकि थोड़ा सा साल है। नहीं खाएंगे तो हम नहीं देंगे। एक बना दो यार प्लीज, थोड़ा सा है सब में खाने। यार देखे कितना सारा पड़ा हुआ, थोड़ा सा डाल दो। तो ले आओ प्लेट, अक्सा ये तुम्हारा बाप है, ये भी नहीं मानेगा। गाइस देख सकते हैं हमने छोटा से पेड़े बनाए हैं, तो पहले दुआ करें कि आज आटा रस जाए, क्योंकि आटा अभी गूंद है। अभी यार रस भी गया है मेरे लिए, एक पराठा बनाना है आपने। मैंने भी थोड़ा नहीं, साग थोड़ा सा है बस, तुम्हारे बाप के लिए बना रही हूँ। मेरे लिए बस थोड़ा सा है, इतना डाल देना, एक तिनका डाल देना। तुम्हें अक्सर चुप नहीं होता? नहीं मैंने वीडियो में बस बोलने के लिए आई, बस बोलने के लिए आई हो। हाँ। मेरे लिए भी बनाए। तो इसमें देखें साग डाल दिया है, तो इस बार दूसरी रोटी बना के डाल देंगे है ना सर? क्या सीख लो, जब मैं नहीं आऊंगी ना माई की रूट के चली जाऊंगी, फिर खुद बना। और तो रहने दे, मैं दूसरी ले आऊंगा। गाइस देखो दूसरी लेने की बात करता है। दूसरी भी चाहिए तो सबर तो करना, तुझे रोटी देती हूँ। हाँ, खाना खा लेना पापा,
अब खा ले अब खा अब खा अब जाके दूसरी बीवी से रोटी खाओ, हमारे पास नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, मैं दूसरी शादी नहीं करता, मुझे रोटी दो आप। अब तो है ही नहीं, अब तो एक गाना भी नहीं। मामा मेरे लिए भी एक बनाने। तो ये देखे साग वाला पराठा बनाने का तरीका। हाँ, क्योंकि आप तो बेलने से बनाते हो ना, हमारे हाथ भी बेलने हैं। हाँ, मेरी मम्मा के हाथ के पराठे काफी खराब नहीं होते, टेस्टी होते हैं। तो गाइस, अब बन रहा है पापा का पराठा। सबा ये पराठा बन रहा है जा? कि नहीं, इम्तियाज तो क्यों आटा में अभी गूंदा था, लेकिन फिर भी मेरा पराठा सही बना है। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहन, कैसी हो? फॉलो बैक कर दो बहन। ओके ओके भाई, ओके गुलाम फरीद भाई, इंशाल्लाह फॉलो बैक कर देती हूँ आपको। थैंक यू गुलाम फरीद भाई, अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रहें। वो आईडी बैन हो गई है 7 दिन की, इंशाल्लाह परसों वाले दिन ओपन हो जाएगी। प्यारी विवाह देख सकते हैं, पराठा इम्तियाज का रेडी हो गया है। वो अभी जो है ना, मैं बच्चों की रोटी बना रही हूँ। अभी मैं बच्चों की रोटी बना के रखूंगी, तो वो चीज लेने गया, तंग करे थे बहुत ज्यादा। पहले तो मैंने कहती रोटी खा ले, ऐसे नहीं क्या। हाँ हाँ, पहले रोटी खा ले बाद में। आगे साग रे मालूम है थी। अब वो तेरे दे बस बर्तन धोने जा रही हूँ, बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत ज्यादा तब धोते हैं बर्तन। तो देखे इतने सारे बर्तन हैं, सभा ने काफ़ी देर, मैं असल में ना वीडियो पहले बना लेता, मैं अभी आया हूँ, मैंने कहा चले वीडियो का एंड भी दर। लाइव पे बैठी रही हूँ। अच्छा, लाइव पे बैठी रही हूँ तो मैं घर पर नहीं था ना, इस वजह से, नहीं तो वीडियो बनाता मुकम्मल। तो सभा इतने सारे बर्तन आए कहाँ से, ये तो बताओ। चावल बनाए थे थोड़ी सी दावत के लिए, बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा, बच्चों के लिए दावत की थी। हाँ, इतने सारे बर्तन तो खुद ही होने थे ना, सुबह वाले भी पड़े थे। हाँ जी, ये तो है। इतने बर्तन पता नहीं हम कहाँ से जाते हैं, ये बात है। चले बर्तन वगैरह धो लेंगे, ऊपर से इतनी ठंड है, सुबह शाम हो गई है, अभी तक देखे। अब मैं सारा बनाने जा रही हूँ, अभी तक धूप नहीं निकली, इतनी ठंड है, ठंड में वैसे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सारे गीले हैं, सारे तुम्हें पता है मिनट मिनट बाद वैसे कपड़े खराब कर देते हैं। बेचारे कपड़े नहीं है, मैं क्या पहनूं छुपे बेचारे। अच्छा, वो भी लेके देता हूँ। वो देखो एक ही ड्रेस में ठहरा, उसके अलावा कोई भी मेरे पास कपड़े नहीं है वैसे के। सही बात है, लेके देता हूँ। हाँ, ये दरख्त की वजह से देखे नीचे सब कुछ समझ नहीं आ रही। आज का आपको वीडियो कैसे लगा लाजमी बताएं। वीडियो खत्म करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। काम तो होते रहेंगे घर के, सर्दी की वजह से ना बर्तन धोना मुश्किल है, इतनी ठंड है बहुत ज्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, मिलेंगे, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।